लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी ना पहली एक्सरसाइज का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑर्डर डिग्री आ गया था, अब आते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि लीनियर या नहीं। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकती है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। देखो ये एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये P0, ये P0 जो है या तो कॉन्स्टेंट होगा या फिर x का फंक्शन होगा। ध्यान रखना इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा, ये P1 या तो कॉन्स्टेंट होगा या x का फंक्शन होगा। ये एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट है P2, या तो x का फंक्शन होगा या कॉन्स्टेंट होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस होना बहुत जरूरी है। ये क्यू Pn, Pn-1, P2, P1, P0 ये सारे के सारे क्या होंगे, या तो कांस्टेंट होंगे या फिर क्या होंगे, फंक्शन ऑफ एक्स होंगे। ठीक है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस वेयर P0, P1, P2, Pn-1, PnQ आर आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ चार चीज़ें आई यहाँ पर, देखो इनमें से किसी की पावर कोई नहीं है ना। तो पहली चीज, इट्स डिग्री इज नॉट मोर देन वन, या फिर हम ऐसे लिख दें कि नॉन लीनियर के लिए कंडीशन, कंडीशन फॉर नॉन लीनियर, नॉन लीनियर के लिए कंडीशन देख लेते हैं। पहली कंडीशन, इट्स डिग्री इज मोर देन वन। एग्जाम्पल देखते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। देखो इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन ये पावर आ गई ना। देखो यहां तो कहीं पावर नहीं थी, ये तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, ये भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, ये भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, पावर नहीं थी, पावर आ गई ना, तो ये क्या होगा, लीनियर नहीं होगा, तो क्या होगा, नॉन लीनियर। इसका ऑर्डर क्या है, डिग्री 3, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, देयरफॉर नॉन लीनियर। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखते हैं, सेकेंड कंडीशन देती है, एनी ऑफ द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हैज एक्सपोनेंट मोर देन वन। अभी समझ आएगा, देखो एक एग्जांपल लेते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, ऐसे लिखा हुआ है मान लो। अब जरा इसका ऑर्डर देखो, 2 डिग्री 1, लेकिन इसकी पावर क्या आ गई, 2 आ गई ना, तो ये क्या हो गया, नॉन लीनियर। किसी एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर 1 से बड़ी अगर आ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो नॉन लीनियर। देखो यहाँ पे किसी भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर नहीं दे रखी थी ना, और इसमें आ गई है, तो यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऊपर वाले पॉलीनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकती, तो क्या हो गया, ये नॉन लीनियर। थर्ड कंडीशन देखते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन वन, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि वाई, उसकी उसकी पावर 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये दे रखा, देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2 डिग्री 1, ठीक है,
क्या इसमें कोई पावर है? नहीं है। इसमें कोई पावर है? नहीं है। ये क्या आ गया? इसकी पावर क्या अगर 2 हो गई ना, देयर फोर नॉन लीनियर। ठीक है, एक और कंडीशन आती है, फोर्थ कंडीशन, प्रोडक्ट कंटेनिंग। डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज प्रेजेंट। अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ पे एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी आ जाए और डिपेंडेंट वेरिएबल भी आए, उनका प्रोडक्ट मिल जाए, तो भी क्या होगा? नॉन लीनियर। जैसे x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4। देखो ऑर्डर 2, डिग्री 1, इसकी पूरे की पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। यहाँ एक टर्म आ गई है जहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रोडक्ट में आ रहे हैं ना, और ये नहीं हो सकता, तो ये क्या हो गया? देयरफॉर नॉन लीनियर। ठीक है, ये हमारे पास चार कंडीशन है जब वो नॉन लीनियर